प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अन्न उत्सव का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत स्थित स्व सहायता भवन परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सुशासन के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मीना सिंह, शहडोल संभाग की सांसद हिमाद्री सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम, पुष्पराजगढ़ के कांग्रेस विधायक फुंदीलाल सिंह, अनूपपुर जिला पंचायत अध्यक्ष रूपमती सिंह, किर्गी जनपद अध्यक्ष हीरा सिंह, श्यामपुर विधायक सुदामा सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी और साथी हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत पारंपरिक नृत्य के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर शुरू की गई। 7 अगस्त को आयोजित अन्न उत्सव के लिए मध्य प्रदेश सुशासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया था। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करना चाहती हूँ। अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से आज जो कार्यक्रम हुआ है अन्न उत्सव का कार्यक्रम, इससे जो हमारे जो पात्र गरीब भाई बहन हैं कोरोना काल को देखते हुए माननीय मोदी जी अन्न उत्सव का कार्यक्रम उन्होंने रखा है जो आज हमारे मध्य प्रदेश में शुभारंभ हो चुका है और ये लगातार चलेगा जब तक हमारे भाई बहनों को सही तरह से नहीं पहुंच पाएगा तब तक ये काम। जिले में कितने सेंटरों में ये बांटा गया, कितने लोगों को दिया जा रहा है? सेंटरों की बात नहीं है इसमें, तो जो भी हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी सेंटर होंगे, जो भी हमारे बिक्री केंद्र होंगे, सभी जगह से आज अन्न उत्सव के माध्यम से ये अनाज दिया जा रहा है लोगों को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।